दोस्तों मखाने तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फैट इनमें काफ़ी कम होता है, हार्ट पेशेंट्स के लिए, किड्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये। और जब हम फैट लॉस के लिए या फिर हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय भी मखाने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, डायबिटीज़ में अच्छे होते हैं, एजनिंग को स्लो करते हैं, प्रोटीन का कंटेंट भी इनमें काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑल एंड ऑल मखाने बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इन्हीं मखानों की हम खीर बनाकर उपवास के टाइम पर भी अपने कैलोरी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज मखाने की खीर। तो दोस्तों स्वागत है आपका अर्ली बर्ड्स पर, और आज हम बना रहे हैं फूल मखाने की खीर। तो फूल मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध गर्म कर लिया है, ये 1 लीटर दूध है, और इसे मैंने उबाल लिया है प्रॉपरली अच्छे तरह से। अब एक मैंने एक बड़ा पैन लिया है और उसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। दोस्तों मैंने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि हम फास्ट में भी खाने वाले हैं और बच्चे भी इसको खा सकते हैं, तो मैंने घी में ही ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा सॉटे कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने अपनी चॉइस के फ्रूट ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जैसे बादाम, कैश्यू और रेजिन, किशमिश, बादाम और काजू। आप इसमें पिस्ता या अपनी चॉइस के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से घी में रोस्ट कर लिया है और इन्हें बाहर निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए घी में हम 2 कप, 2 बड़े कप फॉक्स सीड यानी कि मखाने लेंगे और उनको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। घी आप चाहे जितना डाल दें, मखाने सारा घी पी सकते हैं, तो आप घी कम ही डालिएगा, जो बचा हुआ घी है उतना काफ़ी है मखाने को अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए। देखिए मखानों का कलर चेंज हो गया है और ये धीरे धीरे क्रिस्प होने लगे हैं, ये हो चुके हैं और मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। मैं दोस्तों आधे मखाने ही बाहर निकालूंगी, पूरे मखाने नहीं निकालूंगी। जो बचे हुए मखाने हैं उन पर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, दूध भी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो ये थोड़ा उफन रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा डालते समय। तो दूध डाल के इसको मैंने बॉइलिंग शुरू कर दिया है, यानी कि दूध को रिड्यूस करना, दूध को उबाल उबाल के कम करना शुरू कर दिया है, मखाने इसलिए पक रहे हैं। और ये जो मखाने मैंने निकाल लिए हैं अलग से एक कटोरी, एक बॉल, उसको मैं दरदरा पीस लूँगी मिक्सी में। देखिए ये पीस गया है, इसका दरदरा सा पाउडर बनाया, बहुत महीन नहीं बनाया है, और इसे भी मैं इस दूध के मिक्सचर में डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि हमें मखाने, क्योंकि मखाने तो सॉलिड चीज़ होती है, तो हमें उसको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने में, मतलब उसकी थिकनेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी, रेदर देन कि हम एक एक मखाने को फोड़ें, फूट भी जाएंगे वो, रेदर देन कि हम एक एक मखाने को फोड़ें, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अगर पीस लेंगे तो थोड़ा क्विक हो जाएगा काम और थोड़ा बेटर होगा। दोस्तों मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं इसी स्टेज में, वो भी इसके साथ साथ कुक होते जाएंगे। इसे हम धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली चलाते जाना है और गैस पर अच्छी तरह से कुक करना है। तो चलते चलते ये थोड़ा सा रिड्यूस होने लगा है दूध हमारा, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए अगर ये देखिए मखाने ऑलरेडी काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची थे और अब बॉयल होने के बाद वो आसानी से फूट रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत हम यहाँ कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत हमने जो पीसा हुआ है मखाने को उससे ऑलरेडी हो गई है, तो खीर की कंसिस्टेंसी इससे बराबर हो जाएगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट और हम इसको कुक करेंगे तो ये खीर काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, काफ़ी इसका जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी से जैसे हमें चाहिए वैसी हो जाएगी। पतली खीर तो दोस्तों कहीं पर भी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसे थोड़ा सा थिक करेंगे ताकि दूध की क्रीमीनेस आए और जो मखाना है वो अलग अलग ना हो, वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में आए सामने। मखाने के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें सोडियम कंटेंट इतना कम होता है कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, बीपी पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है और उसे 2-3 चम्मच पानी के साथ में बॉयल कर रही हूँ। गुड़ थोड़ी देर में ही घुल जाएगा और देखिए इसकी ऐसी चाशनी सी बन जाएगी। चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, बट थोड़ी सी गाढ़ी करनी है, मतलब गुड़ घुलने के बाद भी हमें और 5 मिनट इसको कुक करना है, क्योंकि यही गुड़ का जो सिरप है ये हम अपने खीर में डालने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि गुड़ के सिरप के पानी की वजह से खीर काफ़ी पतली हो जाए। तो खीर की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखने के लिए, जैसे हमने पकाई है वैसे ही रखने के लिए, हम इसमें गुड़ को और थोड़ा पका के डालेंगे। देखिए थिक होनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। ऑलमोस्ट 7 मिनट और हो चुके हैं, 5 प्लस 7 12 मिनट हो चुके हैं,
और 5 मिनट इसको कुक करने की ज़रूरत है। तब तक हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और थोड़ी सा थिक हो जाएगा। देखिए ये होने लगा है थिक। अब देखिए हमारा खीर और एक 7 मिनट्स के बाद कितनी अच्छे से थिक हो गई है और काफ़ी मिल गई है, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसी स्टेज पे हम गैस को बंद करके, जो खीर के नीचे गैस चल रही है उसको पूरी तरह से बंद करेंगे, 2 मिनट उसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद उसमें एक गुड़ का पानी डालेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया या गर्म गर्म खीर में उसको डाल दिया या गैस ऑन रख के डाल दिया तो ये दूध फट जाएगा, कड़ल हो जाएगा और आपको खीर का मज़ा नहीं आएगा। गैस को बंद करिए, 2 मिनट उसको ठंडा होने दीजिए और फिर गुड़ के सिरप को मिलाइए। चलिए सर्व कर लेते हैं हमारी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही हेल्दी सी मखाना खीर को। ये काफ़ी यूनिक डेजर्ट है, हम नॉर्मली नहीं बनाते हैं, बट ये बच्चों की हेल्थ के लिए और बड़ों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये खीर आप ज़रूर घर में बनाइएगा और आपकी खीर कैसी बनती है मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलती हूँ आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।